नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं नितिन शर्मा, हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां लगातार सरसों की आवक हो रही है। कल यहां मंडी के अंदर 5100 रुपये सरसों का भाव था। उसके बाद में आज हम फिर दोबारा से मंडी में पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के व्यापारी निरंजन जी। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर सरसों की जो आवक हो रही है, क्या भाव है, आज के क्या भाव है वर्तमान में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन लाल है। मैं मंडी जीबी मंडी यहाँ नई मंडी से बोलता हूँ, निरंजन लाल इन कंपनी से। हमारे यहाँ सरसों की आवक आज कल के अपेक्षा, कल 25,000 कट्टा थी, आज 15 से 16,000 कट्टा है। कुछ आवक भी घटी है, कुछ भाव भी घटा है, और दिन के अपेक्षा थोड़ा सा बाजार रुका है, क्योंकि खल के भाव घट गए हैं, तेल के भाव भी घट गए हैं, इसलिए सरसों भी आज घटा है। 2-3-4 दिन थोड़ा माहौल ऐसा ही रहने वाला है। तेल की ग्राहक की बहुत बढ़िया नहीं है, तेल की ग्राहक की आएगी तो बाजार थोड़ा ठीक रह सकता है। और अभी तो गवर्नमेंट सरसों लेने नहीं लगी है, 1 तारीख से सुनने में आता है कि गवर्नमेंट सरसों लेगी। 20-22 तारीख से हमारे यहाँ किसानों के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। कैसी क्वालिटी की सरसों? क्वालिटी बहुत बढ़िया, इस साल बहुत बढ़िया क्वालिटी का सरसों की यील्ड भी ठीक है, क्योंकि और साल तो 115 से 120 दिन में सरसों तैयार हो जाती है, लेकिन इस साल कुछ बारिश का समय होने से 140 दिन पूरा सरसों को मिला है, इसलिए हेल्दी सरसों है और ऑयल कंटेंट भी ठीक है और सरसों बहुत अच्छी होगी। यहाँ से कौन कौन सी मिल में सरसों जा रही है? सारी मिलों में, अलवर की लोकल मिलें सारी जा रही है, बाहर नहीं जा रही है। हमारे यहाँ तो बाहर से इम्पोर्ट ही होती है सरसों, लोकल में हमारे यहाँ 40-50 हज़ार बोरी पर डे की मिलों में खपत है माल, पर माल अभी यहाँ तो कम आ रहा है, बल्कि बाहर से माल आता है, बाहर की मंडियों से आता है। किसान जो है वो लगातार यहाँ सरसों लेकर आ रहे हैं, तो कौन कौन से गांव से सरसों अपने मंडी में? आसपास मंडी के पूरे अलवर जिले में, जहाँ हमारे अलवर जिनको नजदीक लगता है, वो अलवर के आसपास के गाँवों का सबका माल अभी तो आ रहा है। माल अभी तैयार, अभी कटाई चालू है, अभी तो 50% माल कटा है, 50% और कट जाने के बाद माल चालू होगा, इसलिए 5-7-10 दिन और लगेगा, भरपूर अराइवल होगी। अभी भाव मंडी में किसानों को कम मिल रहा है, लेकिन होली के बाद में तेजी आने की कोई उम्मीद है? इसमें देखो, वो मॉइस्चर वाले माल है, भाव कोई कम नहीं है, वही भाव पड़ता है जो आज बेचेंगे या उसके 15 दिन बाद बेचेंगे। 500 रुपये अगर बढ़ भी गए तो इतना ही मॉइस्चर उनका घट जाएगा, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा कमती भाव नहीं है, भाव बिल्कुल सही है। और कुदरत ने चाहा तो अच्छा ही रहने वाला है, गवर्नमेंट भी आएगी तो 5650 में प्रोक्योर करेगी। अभी मंडी में खाली सरसों ही आ रही है बस? अभी तक तो सरसों आ रही है, इसके बाद जौ शुरू हो जाएगा, उसके बाद गेहूं शुरू हो जाएगा, उसके बाद चना भी चालू हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन का टाइम। ये हमारे साथ में व्यापारी जो है वो मौजूद थे, उन्होंने पूरा भाव बताया, कहाँ से सरसों आ रही है वो भी बताया, और कहाँ मिलों में सरसों जा रही है उसके बारे में भी हमको जानकारी दी। अब हमारे साथ में यह मंडी के अंदर किसान भाई मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि उनने कितने बीघा में सरसों का उत्पादन किया, क्या उनकी लागत बैठी, और लागत बैठने के बाद में वो मंडी में किस तरह सरसों लेकर आए हैं, और आज उनकी सरसों क्या बिकी है। सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। कौन से गाँव से है? हरसौरा गाँव। कितने बीघा में आपने सरसों का उत्पादन किया? अब की बार अभी तो फिलहाल तो सरसों तो 5-6 बीघा बोई है, लेकिन मंडी में 2 बीघा की लेके आए। अच्छा, तो आपको भाव किस तरह मिल रहे हैं? अभी तो मौसर काट के तो भाव वही 5100 का है, तो थोड़ा मौसर नमी अभी सरसों में। क्या कारण मानते हैं कि सरसों में नमी आ गई? नमी तो वो तो अभी ताजा सरसों है तो वो तो रहेगी, वो तो नमी। ये कितने दिनों के लिए रहती है नमी? 15-20 दिन के लिए तो वो रहेगी, जब तक अपन सुखा नहीं पाते। अभी मौसम को देखते हुए तुरंत गीली कटवा लेते हैं ना, क्योंकि अभी पता नहीं ना बारिश हो, इस वजह से जल्दी कटवा लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ी नमी रहती है। तो अभी लागत क्या बैठी थी आपकी? अभी लागत तो क्या है, अब की बार DAP यूरिया बस और लागत तो क्या है, जमीन जुताई उताई का। तो अभी जैसे बारिश आई थी तो कुछ फर्क भी पड़ा था क्या फसलों में? फसलों में अब की बार वो फायदा हुआ है, ऐसा नुकसान अब भारी वर्षा नहीं हुई थी, इस वजह से ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, बाकी कुछ ना कुछ फायदा हुआ है गेहूँ में, जो सर्दी बढ़ी है बारिश की वजह से, यानी कि भाव अच्छा मिल रहा है। हाँ ठीक है, मतलब एवरेज पिछली बार से अच्छी फसल। ये हमारे साथ में यहाँ किसान मौजूद थे, उन्होंने अपने पूरे भाव के बारे में जानकारी दी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अब यहाँ पर किस तरह जो है सरसों भराई का कार्य हुआ, यह लोडिंग हो रही है और ये यहाँ सीधा मिलों में जाएगा, वहाँ तेल तैयार होगा, उसके बाद तेल बाजार में बिकने के लिए आएगा। और लगातार मंडी में जो सरसों की आवक बने होने से किसानों के चेहरे पर खुशी भी देखी जा रही है, क्योंकि उनको एक अच्छा भाव मिल रहा है,
और यहाँ व्यापारियों को एक अच्छी जो है सरसों की जो सरसों है अच्छी मिल रही है, मोटी सरसों मिल रही है। लेकिन अब की बार बस ये है कि नीचे का भाव जो है वो 4500 के समथिंग है, जो ऊपर के भाव है आज 5000 से 5050 तक की है। नितिन शर्मा, अलवर।